वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल एज यूजुअल। मैं हूं ममता और मैं आज आपके सामने, आप देख ही रहे हैं, काली पीपली लेकर आई हूं, जो औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं ये भी आज मैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस किसी को शेयर करें, हो सकता है इससे किसी को लाभ हो जाए। और मैं देख रही हूँ लोग बाग सब्सक्राइब कर देते हैं, इसके बाद फिर अनसब्सक्राइब करते हैं। इतना कष्ट मत कीजिए। अगर आपको किसी चैनल को सब्सक्राइब करने में तकलीफ होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर मेरे द्वारा दी हुई कोई भी जानकारी आपके किसी काम नहीं आती तो मत कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, पीपली कहें, नैनी पीपल कहें या छोटी पीपल कहें, इसको लॉन्ग पेपर के नाम से भी जानते हैं। इसके औषधीय गुणों से संपन्न होने के साथ साथ आयुर्वेद में एक प्रमुख और ख़ास दवा के रूप में से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम घर में इसे मसाले के रूप में भी यूज़ करते हैं, वो भी इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये वास्तव में गुणकारी कॉमन लताओं वाली बेल के रूप में होती है इसका पेड़, और 2 से 3 मीटर तक जमीन पर फैली होती है। इसके गहरे रंग के चिकने पत्ते हरे रंग के होते हैं, थोड़ा सा पान के पत्ते का आकार लिए हुए, और 1 से 3 इंच चौड़े हृदय के आकार के। जी हाँ, इसके पुष्प दंड से 1 से 3 इंच फल 1 इंच से थोड़े कम या अधिक लंबे शहतूत के आकार के फल लगते हैं इस पर। कच्चे फलों का रंग हल्का होता है और पकने पर ये गहरा रंग हो जाता है। इसके बाद इसे काला हो जाता है, तब इसे तोड़ लिया जाता है और इसे ही छोटी पिपली के नाम से जाना जाता है। भारत के गर्म क्षेत्रों में केंद्रीय हिमालय के असम, पश्चिम बंगाल पहाड़ियों पे, पश्चिमी घाट और सदा हरित जंगलों में पाई जाती है। पिपली की नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत में खेती भी की जाती है। आयुर्वेद में पिपली के कच्चे फलों को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह सूर्य चंद्रमा की किरणों के, जी हाँ, नीचे सुखाकर उपयोग किया जाता है। जब इसको अगर आप किसी औषधि के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जब आप छोटी छोटी तोड़ लेंगे इसको, तो इसको कहते हैं कि मतलब आधी धूप आधी छाँव ऐसी चीज सुखाया जाता है, तेज धूप में नहीं। जी हाँ, सुबह से हम इसको प्रतिदिन महीन पीस लें, इसका पाउडर तैयार कर लें और सुबह से आप शहद के साथ चाटें तो आपका मोटापे के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। 1 से 2 दाने दूध के साथ उबाल कर भी ले सकते हैं। दूध में इसको उबाल कर निकाल कर खा लें, ऊपर से दूध पी लें। जी हाँ, इससे मोटापा भी कम होगा। आज आपको खास बात बताने जा रही हूँ, जैसे कुछ लोग हैं बिस्तर में उठते हैं और उनको छींक आनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग हैं जिन्हें नज़ला या सर्दी की शिकायत, जुकाम की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए है। आप ज़्यादा नहीं खा सकते तो 4-5 ले लें। जी हाँ, या 2-3 दाने ही ले लें और दूध में उबाल कर ये दूध के साथ इसे पी जाएं। आपका पुराने से पुराना नज़ला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको आप लगातार पियेंगे। जी हाँ, कम से कम 1 महीने आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुराने से पुराना नज़ला भी आपका है, ज़्यादा दिक्कत है आपको, तो वो भी आपकी ठीक हो सकती है। इसको घूट कर रख लेते हैं तो इसके बहुत से बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं। जैसे 2 ग्राम पीपली, जी हाँ, छोटी पीपली को कूट कर 4 कप पानी में उबालें और 2 कप रह जाने पर इसे उतार कर छान कर इस पानी को 2-3 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पी लें। कुछ दिनों में सांस फूलने की समस्या है, अस्थमा की बीमारी है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। जुकाम के कारण अधिकतर हमारे सर भारी हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, इसमें जैसे लौंग या पेपर, इनके दोनों चीज़ों को मिलाकर पानी उबाल लें या फिर इसका पेस्ट बनाकर माथे पर आप लेप भी कर सकते हैं या पानी भी पी सकते हैं इसका। और पीपली को वट चून के बराबर मात्रा में लेकर 3 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से दूध या गर्म पानी के साथ सेवन करने से सिर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समस्या रहती है, आपको ज़्यादा दिक्कत रहती है सिर दर्द की, जैसे किसी किसी का सिर बहुत ज़्यादा रहता है, मेडिसिन लेते रहते हैं, दवाई आप बिल्कुल मत लीजिए, इसको लगातार कीजिए, आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मूल, जी हाँ, पीपली और पीपली मूल और काली मिर्च और सौंठ, ये सारी चीज़ें समान मात्रा में बागों में मिला लें और चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में ले लें। जब ये सारा भाग मिल जाए,
जी हाँ, पीपली मूल होती है इसकी जो काली पीपर होती है, इसी की जड़ को पीपली मूल के नाम से जाना जाता है। तो आप इन सब चून को एसम भाग में मिलाकर इसको पीस लें, और 2 ग्राम की मात्रा लेकर शहद के साथ चाटने से आपके जुकाम में भी फायदा हो जाएगा। आधा चम्मच पीपली चून को मैं बराबर मात्रा में भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर प्रातः छाछ के साथ डालकर खाली पेट सेवन करने से आपके बवासीर में भी लाभ होता है। चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से, जी हाँ, 2 ग्राम की मात्रा में आपको इसको लेना है, और शहद के साथ मिलाकर चाटने से आपका पुराने से पुराना जुकाम ठीक हो जाएगा। आधा चम्मच, अब दूसरा नुस्खा देखिए, आधा चम्मच पीपली चूर्ण को बराबर मात्रा में भुना हुआ जीरा मिलाएं, जी हाँ, और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें इसके अंदर, और उसको छाछ के साथ डालकर प्रातः प्रतिदिन सेवन करने से आपकी बवासीर में भी लाभ होता है। चूर्ण शहद में मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है और हृदय रोगों से आपको निजात मिलती है, लाभ होता है। पीपली या छोटी हरड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस कर 1 चम्मच की मात्रा में अगर आप सुबह शाम गुनगुने पानी से लेते हैं तो आपका पेट दर्द, मरोड़, दुर्गंध युक्त अतिसार ठीक हो जाता है। पीपली में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण होते हैं जिसके कारण टीबी, तपेदिक या अन्य संक्रमण रोगों की चिकित्सा में इसका उपयोग लाभदायक होता है। पीपली फेफड़ों में शक्ति को जो है सुधारने का काम करती है और बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यह भूख को बेहतर बनाती है। यह तपेदिक हो, इसके उपचार के दौरान अगर वजन कम होने लगे से नुकसान होने लगा, अगर आप बचना चाहते हैं तो मदद करती है। यह तपेदिक उपचार के इस्तेमाल में दवाओं के असर को होने से वाली जिगर की क्षति को बचाती है। पीपली इसके आयुर्वेदिक और आधुनिक दवाओं और कार्य क्षमता को बढ़ा देती है। अगर आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ है या अगर मैं शरीर में कोई भी इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर रही है उसको भी बढ़ाने का काम करती है। गठिया की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गांठों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो पीपला मूल में संधिशोध और जो है गठिया, जी हाँ, गठिया के लिए इसका संधिशोध किया गया है। इसकी जड़ी बूटी की रूट जो है उसका आप काढ़ा बनाकर पतली गुदी बना लें, और कहा जाता है कि यह अम्मावता आर्थराइटिस के उपचार में पीपली का प्रयोग किया जाता है। इससे जो है गठिया रोग जो है, और भी इसकी जड़ी बूटियां हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नई नई और छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं बताती हूँ जो आपको मिल ना सके। काली पीपर है ये, पंसारी के यहाँ से आपको आराम से मिल सकती है। इसके और भी बहुत लाभ हैं। इसके अंदर मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ, कुछ जैसे पुरुषों में जो समस्या होती है उसके लिए निदान है ये। जैसे आपकी शक्ति क्षीण हो गई है, इसके लिए इसे बनाने में इस्तेमाल करने का तरीका कुछ खास है। इसके पीपली के 30 फल ले लें और इसका बारीक पेस्ट बना लें, और 48 ml या घी या तेल साथ में लेकर इसको तल लें, और इसमें चीनी या शहद और गाय के कच्चे दूध को मिलाएं, जी हाँ, और 3 से 5 ग्राम दिन में 1 या 2 बार भोजन से 10 मिनट पहले आप इसे लें। इससे आपको जो है शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, यौन शक्ति की कमी है, वो सब दूर हो जाएगी। यकृत के लिए, आपके लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे विकारों में पीपली रसायन के लिए रसायन की तरह उपयोग में प्रयोग की जाती है। यह एक विशेष उपचार प्रक्रिया है जिसमें पीपली पाउडर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और 11 या 21 दिन तक पुनः दूध के साथ इसकी खुराक को घटाया जाता है। लीवर बढ़ा हुआ है या लीवर में सूजन हो तो 5 ग्राम पीपली के साथ 1 ग्राम पीपला मूल मिलाकर खाएं। इससे जो है आपके लीवर साफ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, और आपको आपका स्वास्थ्य ठीक होने पर आपको खुशी भी महसूस होगी। अरे यहाँ मिल जाएगा सारा सामान, जैसे 5 से 6 पीपली के पौधे, इसको जड़ को सुखा लें और सुखा कर कूटकर चूर्ण बनाकर रख लें। इस चूर्ण से 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसको गर्म पानी या गर्म दूध के साथ पिला दें। शरीर में किसी भी भाग में अगर शरीर के दर्द होता है तो 1 से 2 घंटे के अंदर दूर हो जाएगा। वृद्धावस्था में शरीर में दर्द है यह अधिक लाभदायक होता है। 3 पीपली पीस कर शहद में मिलाकर चाटने से श्वास संबंधी, खांसी संबंधी, मलेरिया संबंधी, जो भी आपको जैसे मलेरिया है, वायरल फीवर है, ये सब आपके जो है ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसका ज़रूर एक खास ख्याल रखिएगा इसे खाने से।
इसकी खा जैसे बताई जा रही है आप इसी तरह से खाएं। अपने आप डॉक्टर ना बने, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप किसी वैद्य की सलाह भी ले सकते हैं। जैसे फ्लू है, फ्लू में 2 पीपली या 1/4 चम्मच सौंठ दूध में उबाल कर पिलाएं। जी हाँ, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं आजकल, आते जाती सर्दी बच्चों को बहुत ज़्यादा लगती है, दांत निकल रहे हैं बच्चे, दांत निकलते हैं तो बच्चे बड़ा मिसमिसाते हैं दांतों को, तो उसमें जो है थोड़ी सी पीपली का चूर्ण जो है शहद में मिलाकर दांतों पर रगड़ने से उसके दर्द में आराम मिलेगा, क्योंकि वो हल्की हल्की खुजली सी होती है, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता है, इसलिए बच्चे कुछ भी चीज़ मुँह में डालते हैं और उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर स्त्रियों के मासिक धर्म कम होते हैं तो पीपली और पीपली की जड़ 1.5 ग्राम मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से दर्द भी कम हो जाता है और माहवारी भी नियमित हो जाती है। ऊपर अपने आपने जाना कि मतलब मैंने जो भी बताया है वो आपने जाना कि पीपली के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर जिसकी आप मदद कर सकते हैं बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आप इसको अपनी भी मदद कर सकते हैं, अपने तंदुरुस्त रहने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद को बढ़ावा दें। जी हाँ, हिंदुस्तान में बहुत ही प्राचीन आयुर्वेद है और इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, थोड़ा सा बस ढूंढने की देर है। इसकी लेते वक्त इसको सावधानी रखें, जितने समय के लिए आपको कहा गया है उतने समय ही आप लें। इसका अधिक मात्रा में सेवन ना करें, जितनी मात्रा में इसका सेवन करने के लिए कहा गया है उतनी मात्रा ही में ही सेवन करें, क्योंकि इसे ये एक जो है जड़ी बूटी है, और इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा लंबे तक समय तक ना करें, एहतियात के तौर पर इसका इस्तेमाल करें। और कफ में वृद्धि के कारण अगर बनता है तब इसको गर्मी के लिए इसका इस्तेमाल कम करें, थोड़ा ध्यान रखें दोष पित्त ना बढ़ जाए आपका, इसलिए इसको जो है गर्मी के मौसम में ध्यान से लें। छोटे बच्चों को, शिशुओं को इसके सेवन से बचाएं। दूध और घी के साथ यह प्रतिदिन 250 मिलीग्राम एक छोटी सी खुराक में अपने बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसके कम मात्रा का इस्तेमाल करें। गर्भावस्था में इसके उपयोग के लिए आप किसी चिकित्सक की सलाह लें या फिर बहुत ही हल्की मात्रा में लें, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है। इसके फायदे बहुत सारे हैं, जैसे भूख बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति, पेट दर्द, अपच, गैस, दस्त, हैजा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, खांसी, फेफड़ों की समस्या, सिर दर्द, दांत दर्द, कोमा, मिर्गी, बुखार, आघात, नींद का आना, अनिद्रा, कुष्ठ रोग, अत्यधिक थकान होना, बढ़े हुए प्लीहा और मांसपेशियों के दर्द और नाक से पानी निकलना, पक्षाघात, सोरायसिस, आंतों के कीड़े और विटामिन B1 की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। और पीपली में कार्बोहाइड्रेट्स वर्धा और प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, एंटी माइक्रोबियन और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्वों के अलावा मिनरल्स और कुछ मात्रा में पानी और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। पीपली में मौजूद पोषक तत्व शरीर में नए ऊतकों को बनाने में, आपकी मरम्मत करने में आपकी काफ़ी कारगर हैं। और पीपली की तासीर बेहद गर्म होती है, इसलिए इसको गर्मी में लेने से बचें, मैंने पहले भी आपको बताया है। इसकी ज़्यादा मात्रा का सेवन ना करें, जितनी बताई गई है उतनी ही मात्रा का सेवन करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए यार, और ऐसे सब्सक्राइब मत करो भाई जिसको सब्सक्राइब करने में तकलीफ़ होती है और बाद में जाके आप अनसब्सक्राइब कर देते हो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर सब्सक्राइब बढ़ा देंगे और फिर बाद में कम कर देंगे, ऐसा क्यों है भाई। और भी बहुत सारे, पता है 200 से ज़्यादा वीडियो डाल चुकी हूँ, देखो ढूंढो, आपकी हर बीमारी के इलाज हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो और जितना कहूँ उतनी ही मात्रा में लेना, इससे ज़्यादा मत लेना।